उर्दू ज़बान और तहज़ीब का जश्न, जश्न-ए-रेख्ता। रेख्ता की चौथी बाविकार मेयारी पेशकश, एक ही चारदीवारी में अदब, फिल्म, थिएटर, रक्स, मौसीकी, खत्ताती और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों का एक खूबसूरत गुलदान आज का ये मुशायरा और आज की ये तकरीब, जिसका मैं समझता हूँ कि सबसे अहम हिस्सा आज का ये बज़्म-ए-सुखन मुशायरा। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं अपने तमाम शोरा का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। इस यादगार लम्हे के आप गवाह हैं कि जब रेख्ता के स्टेज पर आज हिंदुस्तान के नुमाइंदा शोरा अपनी मोहब्बतों के चराग जलाएंगे। मैं ये शेर यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चंद शायर हैं जो इस तौर से मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस तौर से मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। चंद शायर हैं जो इस तौर से मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। मैं एक मर्तबा फिर आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। एक बहुत संजीदा और एक बहुत बाविकार शायर सालिम सलीम से आज की हम शुरुआत करेंगे। सालिम सलीम चूँकि हमारे मेज़बान भी हैं, आज जैसा कि आपने देखा कि उनकी दो किताबों का इजरा हुआ है, रेख्ता ने उनकी दो किताबें शाया की हैं। नौजवान नस्ल का एक बहुत संजीदा और बहुत महज़ब नाम सालिम सलीम के हुज़ूर जाना चाहता हूँ, इस शेर के साथ के बदन के सारे जज़ीरे शुमार करते हुए, बदन के सारे जज़ीरे शुमार करते हुए, मैं थक गया हूँ समंदर को पार करते हुए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सालिम सलीम का। सालिम सलीम तशरीफ़ लाएं और सामने इनको अपने कला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील जमाली साहब। मैं दो तीन शेरों से इस सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। एक हंगामा बपा है अरसे अफलाक पर, एक हंगामा बपा है अरसे अफलाक पर, खामोशी फैला रखी है आज मैंने खाक पर। एक हंगामा बपा है अरसे अफलाक पर, खामोशी फैला रखी है आज मैंने खाक पर। अब मेरा सारा हुनर मिट्टी में मिल जाने को है, अब मेरा सारा हुनर मिट्टी में मिल जाने को है, हाथ उसने रख दिए हैं दीदे नमनाक पर, हाथ उसने रख दिए हैं दीदे नमनाक पर। शेर देखें कि रोज़ बढ़ती ही चली जाती है बीनाई मेरी, रोज़ बढ़ती ही चली जाती है बीनाई मेरी, रोज़ रख देता हूँ आँखों को तेरी पोशाक पर, रोज़ बढ़ती ही चली जाती है बीनाई मेरी, रोज़ रख देता हूँ आँखों को तेरी पोशाक पर। कुछ शेर और के हवा से इस्तफादा कर लिया है, हवा से इस्तफादा कर लिया है, हवा से इस्तफादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है, हवा से इस्तफादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सुमरने का इरादा कर लिया है, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, शेर देखें कि मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। कुछ शेर और देख लें कि
हदूदे शहरे तिलिस्मात से नहीं निकला, हदूदे शहरे तिलिस्मात से नहीं निकला, मैं अपने दायरे जात से नहीं निकला, हदूदे शहरे तिलिस्मात से नहीं निकला, मैं अपने दायरे जात से नहीं निकला, अभी तो खुद पे मेरा इख्तियार बाकी है, अभी तो खुद पे मेरा इख्तियार बाकी है, अभी तो कुछ भी मेरे हाथ से नहीं निकला, अभी तो खुद पे मेरा इख्तियार बाकी है, अभी तो कुछ भी मेरे हाथ से नहीं निकला, वो वक्त बनके मेरे सामने रहा हरदम, वो वक्त बनके मेरे सामने रहा हरदम, तमाम उम्र में औकात से नहीं निकला, वो वक्त बनके मेरे सामने रहा हरदम, तमाम उम्र में औकात से नहीं निकला। दो चार शेर और उसके बाद एक गज़ल। चुपके से वो दाखिल हुआ इस खाने दिल में, चुपके से वो दाखिल हुआ इस खाने दिल में, और फिर मेरी तन्हाई को फुर्सत से निकाला, चुपके से वो दाखिल हुआ इस खाने दिल में, और फिर मेरी तन्हाई को फुर्सत से निकाला, इस दिल में चुभा रहता था कांटे की तरह वो, इस दिल में चुभा रहता था कांटे की तरह वो, एक रोज़ उसे मैंने मोहब्बत से निकाला, इस दिल में चुभा रहता था कांटे की तरह वो, एक रोज़ उसे मैंने मोहब्बत से निकाला। और एक गज़ल उसके बाद। एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, एक नए शहरे शारिक साहब गज़ल देखें कि एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, दश्त में भी दरो दीवार की बीमारी है, एक ही मौत भला कैसे करे इसका इलाज, एक ही मौत भला कैसे करे इसका इलाज, जिंदगानी है कि सौ बार की बीमारी है, एक ही मौत भला कैसे करे इसका इलाज, जिंदगानी है कि सौ बार की बीमारी है, लोग इकरार कराने पे तुले हैं कि मुझे, लोग इकरार कराने पे तुले हैं कि मुझे, अपने ही आप से इनकार की बीमारी है, लोग इकरार कराने पे तुले हैं कि मुझे, अपने ही आप से इनकार की बीमारी है, घर में रखता हूँ अगर शोर मचाती है बहुत, शेर देखें कि घर में रखता हूँ अगर शोर मचाती है बहुत, मेरी तन्हाई को बाजार की बीमारी है, घर में रखता हूँ अगर, घर में रखता हूँ अगर शोर मचाती है बहुत, घर में रखता हूँ अगर शोर मचाती है बहुत, मेरी तन्हाई को बाजार की बीमारी है, शेर देख लें कि बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, ये जो मुझको तेरे दीदार की बीमारी है, बस इसी वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, ये जो मुझको तेरे दीदार की बीमारी है, एक नए शहरे खुशासार की बीमारी है, दश्त में भी दरो दीवार की बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो दुआ करेंगे कि उनकी और उनके इश्क दोनों की सेहत बरकरार रहे। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी सो मरने का इरादा कर लिया है। बहुत खूबसूरत लहजे की बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे सालिम सलीम साहब। दोस्तों, अब इसी कबील का एक और शायर, एक बड़ा ताज़ाकार शायर अमीर इमाम हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेहद ताज़ा दम, तेज़ रो, अपने गिर्दो पेश से बाखबर। उनकी किताब आई थी नक्शे पा हवाओं के। जिन लोगों ने अमीर इमाम को सुना है उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है उनका डिक्शन क्या है, उनका सलूक क्या है, उनका लहजा क्या है। बहुत खूबसूरत शायरी का एक बहुत नुमाइंदा नाम अमीर इमाम, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और सामईन को अपने कलाम से नवाजें। अमीर इमाम साहब,
بہت شکریہ. دیکھیں ایک غزل ہے, مطلب دیکھے گا کہ چاند سورج سے پرے اور کہیں چاہتے ہیں, چاند سورج سے پرے اور کہیں چاہتے ہیں, آسماں جس پہ نہ ہو ایسی زمیں چاہتے ہیں. چاند سورج سے پرے اور چاند سورج سے پرے اور کہیں چاہتے ہیں, آسماں جس پہ نہ ہو ایسی زمیں چاہتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ جس قدر دور ہے کچھ اور زیادہ اس سے, سراج صاحب, جس قدر دور ہے کچھ اور زیادہ اس سے, اب سمجھ لو کہ اسے کتنا قریب چاہتے ہیں. جس قدر دور ہے کچھ اور زیادہ اس سے, اب سمجھ لو کہ اسے کتنا قریب چاہتے ہیں. اور ایک تصور ہے کہ تجھ سے بھی مشابہ ہے بہت, ایک تصور ہے کہ تجھ سے بھی مشابہ ہے بہت, ہم اسے چاہتے ہیں تجھ کو نہیں چاہتے ہیں. ایک تصور ہے, ایک تصور ہے کہ تجھ سے بھی مشابہ ہے بہت, ایک تصور ہے کہ تجھ سے بھی مشابہ ہے بہت, ہم اسے چاہتے ہیں تجھ کو نہیں چاہتے ہیں, ہم اسے چاہتے ہیں تجھ کو نہیں چاہتے ہیں. اور ہم زمینوں کے ہیں, ہم عرش مولا کے نہیں. بہت توجہ حضرات, ہم زمینوں کے ہیں, ہم زمینوں کے ہیں, ہم عرش مولا کے نہیں, اے خدا فیصلہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. ہم زمینوں کے ہیں, ہم زمینوں کے ہیں, ہم زمینوں کے ہیں, ہم عرش مولا کے نہیں, اے خدا فیصلہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. اے خدا فیصلہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. اور وہ ہمیں اور جنوں چاہتا ہے, وہ ہمیں اور جنوں چاہتا ہے, ہم اسے اور حسین چاہتے ہیں. وہ ہمیں اور جنوں, وہ ہمیں اور جنوں چاہتا ہے, ہم اسے اور حسین چاہتے ہیں, ہم اسے اور حسین چاہتے ہیں. اور عشق ہوتا ہے گماں, اس کو گماں ہونا ہے, عشق ہوتا ہے گماں, اس کو گماں ہونا ہے, یہی غلطی ہے کہ سب اس کو یقین چاہتے ہیں. عشق ہوتا ہے گماں, بہت شکریہ. عشق ہوتا ہے گماں, اس کو گماں ہونا ہے, یہی غلطی ہے کہ سب اس کو یقین چاہتے ہیں. چاند سورج سے پرے اور کہیں چاہتے ہیں, آسماں جس پہ نہ ہو ایسی زمیں چاہتے ہیں. ایک اور غزل ہے, دیکھیں مطلب دیکھیں, دیکھیں سب, کہ مدھم ہوئی تو اور نکھرتی چلی گئی. بہت عجب, مدھم ہوئی تو اور نکھرتی چلی گئی, زندہ ہے ایک یاد جو مرتی چلی گئی. مدھم ہوئی, مدھم ہوئی تو اور نکھرتی چلی گئی, زندہ ہے ایک یاد جو مرتی چلی گئی. اور شعر دیکھیے گا کہ تھی زندگی کی مثل شب ہجر دوستو, تھی زندگی کی مثل شب ہجر دوستو, اور زندگی کی مثل گزرتی چلی گئی. تھی زندگی کی مثل شب ہجر دوستو, اور زندگی کی مثل گزرتی چلی گئی. اور ہم سے یہاں پہ کچھ بھی سمیٹا نہ جا سکا, ہم سے یہاں پہ کچھ بھی سمیٹا نہ جا سکا, ہم سے ہر ایک چیز بکھرتی چلی گئی, ہم سے
हमसे यहाँ पे कुछ भी समेटा ना जा सका, हमसे हर एक चीज़ बिखरती चली गई, हमसे हर एक चीज़ बिखरती चली गई, और आए थे चंद जख्म गुजरगाहे वक्त पर, आए थे चंद जख्म गुजरगाहे वक्त पर, गुजरी हवाए वक्त तो भरती चली गई, गुजरी हवाए वक्त तो भरती चली गई। और ये शेर देखिएगा कि एक आश्क कह कहों से गुज़रता चला गया, एक आश्क कह कहों से गुज़रता चला गया, एक चीख खामोशी में उतरती चली गई, एक आश्क कह कहों से गुज़रता चला गया, एक चीख खामोशी में उतरती चली गई, और हर रंग एक रंग से हम रंग हो गया, हर रंग एक रंग से हम रंग हो गया, तस्वीर जिंदगी की उभरती चली गई, हर रंग एक रंग से हम रंग हो गया, तस्वीर जिंदगी की उभरती चली गई, मध्यम हुई तो और निखरती चली गई, जिंदा है एक याद जो मरती चली गई। और एक आखिरी गज़ल के चंद अशार और देख लें कि देखें मतला देखें कि चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी सुनसान होती जाएगी, चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी सुनसान होती जाएगी, और देखना क्या है नज़रअंदाज करना है किसे, देखना क्या है, देखना क्या है नज़रअंदाज करना है किसे, मंजरों की खुद ब खुद पहचान होती जाएगी, देखना क्या है नज़रअंदाज करना है किसे, मंजरों की खुद ब खुद पहचान होती जाएगी, और उसके चेहरे पर मुसलसल आँख रुक सकती नहीं, उसके चेहरे पर मुसलसल आँख रुक सकती नहीं, आँख बारे हुस्न से हलकान होती जाएगी, उसके चेहरे पर मुसलसल आँख रुक सकती नहीं, आँख बारे हुस्न से हलकान होती जाएगी, और कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, बहुत तवज्जो, कर ही क्या सकती है दुनिया, कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी, कर ही क्या सकती है दुनिया, कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी, और आते 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 इश्क करने का हुनर आ जाएगा, आते 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 इश्क करने का हुनर आ जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी आसान होती जाएगी, आते 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 इश्क करने का हुनर आ जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी आसान होती जाएगी, रफ्ता रफ्ता जिंदगी आसान होती जाएगी, और काकुले खमदार में खम और आते जाएंगे। शेर देखिएगा, काकुले खमदार में, काकुले खमदार में खम और आते जाएंगे, जुल्फ उसकी और भी शैतान होती जाएगी, काकुले खमदार में, काकुले खमदार में खम और आते जाएंगे, जुल्फ उसकी और भी शैतान होती जाएगी, जुल्फ उसकी और भी शैतान होती। और आखिरी शेर, उसके बाद इजाज़त आपसे कि सोच लो, सोच लो ये दिल लगी भारी ना पड़ जाए तुम्हें, सोच लो, सोच लो ये दिल लगी भारी ना पड़ जाए तुम्हें, जान जिसको कह रहे हो जान होती जाएगी, सोच लो ये बहुत शुक्रिया, सोच लो ये दिल लगी भारी ना पड़ जाए तुम्हें, जान जिसको कह रहे हो जान होती जाएगी,
चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी, सुनसान होती जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। आते आते इश्क करने का हुनर आ जाएगा, रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी आसान होती जाएगी। जैसा मैंने अर्ज़ किया था, बहुत खूबसूरत लहजे की बहुत खूबसूरत शायरी फरमा रहे थे अमीर इमाम साहब। दोस्तों, ये लम्हा बड़ा कीमती है। मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप दुनिया की किसी ज़बान के अदब में, उसकी तारीख़ में ये बात नहीं देख सकते कि कोई शख्सियत, कोई सितारा ऐसा आपको मिल जाए कि जिसके गिर्द रोशनियों का ऐसा हाला हो कि जो अपनी मिसाल आप हो। एक तरफ मुस्तर खैराबादी खड़े हैं, दाईं तरफ जानिसार अख्तर खड़े हैं, पहलू में शबाना आज़मी हैं, दाईं तरफ फरहान अख्तर हैं, बाईं तरफ ज़ोया अख्तर हैं। ऐसा सितारा और ऐसी रोशनी जो उसके इर्द गिर्द छाई हुई है, ये मौका नहीं था। लेकिन एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, आपके महबूब शायर जावेद अख्तर साहब की शादी की सालगिरह है आज, तो ज़ोरदार तालियों से। जावेद अख्तर साहब की शादी की सालगिरह की वजह से कुछ दोस्तों ने, शबाना साहिबा भी उनका इंतज़ार कर रही हैं, कुछ दोस्तों ने एक ख़ास महफिल का अहतमाम किया है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर दूल्हा ही महफिल में नहीं होगा तो सब बेकार है। तो यहाँ जाहिर है मेरी मजबूरी बन जाती है, हालांकि हम सब लोगों का दिल ये चाहता था कि वो देर तक हमारे साथ रहें, हमारे स्टेज की रौनक बनी रहे, लेकिन ये एक ऐसी खुशगवार मजबूरी है कि हमें तस्लीम करना पड़ रहा है। और उनके हुक्म को सर तस्लीम खम लेते हुए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से जावेद अख्तर साहब का इस्तकबाल। आदाब। देखिए, मैं तो देर तक रहने को भी तैयार था, लेकिन बाद में यह ख्याल आया कि फिर बाद में जाऊंगा कहाँ, तो मुनासिब ये है कि मैं जल्दी से आपको कुछ सुना दूं और जल्दी से चला जाऊं। जी, एक गज़ल से शुरू करता हूँ। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। क्यों पुराना हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान, ज़रा देख तो लो। देखिए, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ऐसी ज़बान में लिखूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लेकिन कभी कभी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते, तो लोग नहीं समझते, ख़ास तौर से जो उर्दू हिंदी के लोग नहीं हैं। जैसे ये मिसरा है, मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहूँगा। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मेंबर है, यानी कोई ऑरेटर है, कोई स्पीकर है जो पोडियम पे खड़ा हुआ एक स्पीच दे रहा है। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मेंबर है, किसके है कत्ल का सामान, ज़रा देख तो लो। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मेंबर है, किसके है कत्ल का सामान, ज़रा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकला है कोई पहचान, ज़रा देख।
तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। इर्तियाश कहते हैं झनकार को, जो कांपते हैं तार उन्हें इर्तियाश कहते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तुझको मेरी मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये ना पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो दम न दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये ना पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों। न फिक्र कोई न जस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। न फिक्र कोई न जस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। न फिक्र कोई न आरजू है, जस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। नज़्म आप इजाज़त दें तो सुना देता हूँ, फिर जा। एक नज़्म मैं बा रहा था, तो हालांकि एक बार मैं दिल्ली में सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ हुक्म किया लोगों ने वो सुनाने को, और शायद सुनाना ठीक भी है उसे। नया हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है, किधर जा रही हैं। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी। कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है हमारी रेत की, सब ये फसीलें ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनके दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, ज़रा ये सरकशी कम कर लें अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा आप चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो,
कि जब एक रंग में सौ रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून, बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है तो खेल क्या है? मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं पियादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोहरा रहे के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोहरा रहे के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। जावेद साहब अभी अपनी खूबसूरत शायरी का जादू जगा रहे थे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। या ये शेर के लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी सी हो गई तालाब में। ये एक निसाई लहजा है। एक लहजा यूं भी है कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। ये शेर है अलीना इतरत रिजवी साहिबा का, बेहद महजब बेहद बाविकार खातून। सूरज तुम जाओ की खालिक अलीना इतरत रिजवी के हुजूर चलते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं उनकी खूबसूरत शायरी के। एक गज़ल के चंद अशआर पेश करती हूँ। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी,
मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी, और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। बहुत शुक्रिया। गर्दिशे वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। और ये गज़ल के चंद इशारा पेश करती हूँ कि ज़िंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, बहुत शुक्रिया, ज़िंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने, बहुत शुक्रिया, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने, और जब ज़मीं रेत की मानिंद सरकती पाई, जब ज़मीं रेत की मानिंद सरकती पाई, आसमां थाम लिया जान बचा ली मैंने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आसमां थाम लिया जान बचा ली मैंने, और मरहला कोई जुदाई का जो दरपेश हुआ, मरहला कोई जुदाई का जो दरपेश हुआ, तो तबस्सुम की रिदा गम को उड़ा ली मैंने, बहुत शुक्रिया, तो तबस्सुम की रिदा गम को उड़ा ली मैंने। और ये शेर ख़ास तौर से देखें कि एक लम्हे को तेरी समत से उठा बादल, एक लम्हे को तेरी समत से उठा बादल, एक लम्हे को तेरी समत से उठा बादल, और बारिश की सी उम्मीद लगा ली मैंने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बारिश की सी उम्मीद लगा ली मैंने, बाद मुद्दत मुझे नींद आई बड़े चैन की नींद, बाद मुद्दत मुझे नींद आई बड़े चैन की नींद, बाद मुद्दत मुझे नींद आई बड़े चैन की नींद, खाक जब ओढ़ ली जब खाक बिछा ली मैंने, खाक जब ओढ़ ली जब खाक बिछा ली मैंने। और मक्ता पेश करती हूँ, जो अलीना ने सरे अर्श दुआ भेजी थी, जो अलीना ने सरे अर्श दुआ भेजी थी, उसकी तासीर यहीं फर्श पे पाली मैंने, जिंदा रहने की ये तरकीब निकाली मैंने, अपने होने की खबर सबसे छुपा ली मैंने। और ये गज़ल की चंद इशारा तरन्नुम में पेश करती हूँ, खिज़ां की ज़ेद सी रंगत बदल भी सकती है, खिज़ां की ज़ेद सी रंगत बदल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है, बहार आने की सूरत निकल भी सकती है, जला के शम्मा अब उठ के देखना छोड़ो, जला के शम्मा अब उठ
رہتی ہے وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کی چرا ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کی چرا بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے یہ آفتاب سے کہہ دو کہ فاصلہ تپش سے برف کی دیوار گل بھی سکتی ہے تپش سے برف کی دیوار گل بھی سکتی ہے ابھی تو چاک با جاری ہے رقص مٹی کا ابھی تو چاک با جاری ہے رقص مٹی کا ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے بہت شکریہ ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے اور مقطع پیش کرتی ہوں کوئی ضروری نہیں وہ ہی دل کو شاد کرے کوئی ضروری نہیں وہ ہی دل کو شاد کرے علینا آپ طبیعت بہل بھی سکتی ہے بہت شکریہ بہت عمدہ شاعری فرما رہی تھیں علینا عطرت رضوی صاحبہ ایک دن ہم اچانک بڑے ہو گئے ایک دن ہم اچانک بڑے ہو گئے کھیل میں دوڑ کر اس کو چھوتے ہوئے یا یہ شعر کہ بہت گدلا تھا پانی اس ندی کا مگر میں اپنا چہرہ دیکھایا یا یہ شعر کہ جھوٹ پر اس کے بھروسہ کر لیا دھوپ اتنی تھی کہ سایہ کر لیا اپنے اچھوتے اسلوب اپنے خوبصورت ڈکشن اور نئے موضوعات سے سننے اور پڑھنے والوں کو مسحور کر دینے والا شاعر شارق کیفی ہمارے درمیان موجود ہے ایک آسان سا رد عمل اپنے تماشے کا ٹکٹ یہاں روشنی آتی کہاں تھی جیسی خوبصورت کتابوں کے خالق شارق کیفی کا زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے شارق کیفی ایک بہت نازک سی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطلع دیکھیں یوں بھی صحرا سے ہم کو رغبت ہے یوں بھی صحرا سے ہم کو رغبت ہے بس یہیں بے گھروں کی عزت ہے یوں بھی صحرا سے ہم کو رغبت ہے
बस यही बेघरों की इज्जत है। ये शेर देखे खास तौर से कि अब संवरने का वक्त उसको नहीं, अब संवरने का वक्त उसको नहीं जब हमें देखने की फुर्सत है। अब संवरने का वक्त उसको नहीं, अब संवरने का वक्त उसको नहीं जब हमें देखने की फुर्सत है। तुझसे मेरी बराबरी ही क्या, तुझसे मेरी बराबरी ही क्या, तुझको इनकार की सहूलत है। तुझसे मेरी बराबरी ही क्या, तुझसे मेरी बराबरी ही क्या, तुझको इनकार की सहूलत है। कह कहा मारने में कुछ भी नहीं, कह कहा मारने में कुछ भी नहीं, मुस्कुराने में जितनी मेहनत है। कह कहा मारने में कुछ भी नहीं, कह कहा मारने में कुछ भी नहीं, मुस्कुराने में जितनी मेहनत है। सैरे दुनिया को आ तो जाओ मगर, सैरे दुनिया को आ तो जाओ मगर, वापसी में बड़ी मुसीबत है। सैरे दुनिया को आ तो जाओ मगर, सैरे दुनिया को आ तो जाओ मगर, वापसी में बड़ी मुसीबत है। ये जो एक शक्ल मिल गई है मुझे, ये जो एक शक्ल मिल गई है मुझे, ये भी आईने की बदौलत है। ये जो एक शक्ल मिल गई है मुझे, ये भी आईने की बदौलत है। ये तेरे शहर में खुला मुझ पर, ये तेरे शहर में खुला मुझ पर, मुस्कुराना भी एक आदत है। यूं भी सहरा से हमको रगबत है, बस यहीं बेघरों की इज्जत है। एक और गजल का मतला सुना फरमाए। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, बहुत अच्छा है, वाह वाह। पहले यार बनाया फिर समझाया हमने, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले। वाह वाह। खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। बहुत उम्दा है। खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। बहुत अच्छा है, वाह वाह। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। बहुत अच्छा। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, वाह 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 वाह। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली, मौत ने सारी रात हमारी नब्ज टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। वाह 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 वाह, शायरी हो रही है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना। शायरी भाई फिर पढ़ दीजिए, वाह वाह वाह। मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। वाह 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 वाह, क्या कहना है।
घर से निकले चौक गए। वाह 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 वाह। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। क्या कहना है क्या कहना है। तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने, भूले भटकों सा अपना हुलिया था लेकिन। क्या कहना है। वाह। भूले भटकों सा अपना हुलिया था लेकिन, दश्त को अपनी वहशत से चौंकाया हमने। वाह वाह वाह। भूले भटकों सा अपना हुलिया था लेकिन। क्या कहना है। दश्त को अपनी वहशत से चौंकाया हमने, जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत। वाह वाह। जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत। क्या कहना है। फिर रस्ते को रस्ते भर भटकाया। वाह वाह वाह। जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत, फिर रस्ते को रस्ते भर उलझाया हमने। वाह 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 वाह। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। वाह। मौत ने सारी रात हमारी नफ्स मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। ये गजल की इजाजत और चाहता हूँ। समा फरमाए जी। शारिक भाई फरमाइए। मतला समा फरमाए जी। फरमाइए फरमाइए। आईने का साथ प्यारा था कभी, क्या मसला है। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। वाह वाह। आईने का साथ प्यारा था कभी। क्या कहना है क्या कहना है। एक चेहरे पर गुजारा था कभी, आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा। ना खुदा कैप्टन ऑफ द शिप। आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। वाह वाह। आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, हमने उसको पार उतारा था कभी। क्या कहना है क्या कहना है। ये मेरे घर की फिजा को क्या हुआ, ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ, ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ, कब यहाँ मेरा तुम्हारा था कभी। वाह 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 वाह। ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ, कब यहाँ मेरा तुम्हारा था कभी, कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, जो मेरा सारे का सारा था कभी। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा है बहुत उम्दा। कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल। कैसे टुकड़ों में उसे कर लूं कबूल, जो मेरा सारे का सारा था कभी। आज कितने गम हैं रोने के लिए, आज कितने गम हैं रोने के लिए, आज कितने गम हैं रोने के लिए, एक तेरे दुख का सहारा था कभी। वाह वाह। आज कितने गम हैं रोने के लिए। वाह वाह वाह। आज कितने गम हैं रोने के लिए, एक तेरे दुख का सहारा था कभी। वाह वाह वाह। इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। वाह 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 वाह। क्या कहना है क्या कहना। वाह 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 वाह। क्या कहना है क्या कहना। इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों। वाह वाह वाह।
मैं इसी मैदान में हारा था कभी, कौन कह सकता है उसको देखकर, वाह वाह, कौन कह सकता है उसको देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी, कौन कह सकता है उसको देखकर, कौन कह सकता है उसको देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों एक दरख्वास्त आपसे करनी है, एक दरख्वास्त आपसे करनी है। देखिए ये जो सीटियां हैं ये रेख्ता की रवायत नहीं है, आप हमारे बड़े महज़ब लोग हैं, आपने कभी रेख्ता के किसी मुशायरे में इस तरह का मुजाहरा नहीं किया, तो जो एक दो नए लोग आ गए हैं तो ज़रा सा उनका आसपास वाले ख्याल रखें। बहुत उम्दा शायरी, ज़ोरदार तालियों से उस शायरी का खैर मकदम करें जो अभी शारिक कैफी साहब सुना के गए हैं। बिला शुबा बहुत उम्दा शायरी, भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया वरना, अपने अलावा किसको घर पहुँचाया हमने, मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत शायरी का ये सिलसिला आगे आएगा, आलम खुर्शीद साहब की तरफ जाएगा। मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ, मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ और कागज़ पर धूप रकम हो जाती है, लकीर खींच के बैठी है तिश्नगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया यहीं पे आएगा। या ये शेर के बहुत सुकून से रहते थे हम अंधेरे में, फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से, नए मौसम की तलाश, जहरे गुल ख्याल आबाद कारे जियां, नये बस्ती हमारी नये सहरा हमारा, जैसी खूबसूरत किताबों के खालिक आलम खुर्शीद हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, आलम खुर्शीद तशरीफ़ लाएं और सामईन को अपने कलाम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याद करते हो मुझे, सूरज निकल जाने के बाद, कि याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद, एक सितारे ने ये पूछा रात ढल जाने के बाद। कि याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद, एक सितारे ने ये पूछा रात ढल जाने के बाद, और मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान, कि मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान, ये ख्याल आया मुझे अक्सर फिसल जाने के बाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है आलम साहब, वाह वाह वाह, शुक्रिया। कि मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान, ये ख्याल आया मुझे अक्सर फिसल जाने के बाद। और शेर देखें कि दोस्तों के साथ चलने में भी खतरे हैं हज़ार, वाह, कि दोस्तों के साथ चलने में भी खतरे हैं हजार, भूल जाता हूँ हमेशा मैं संभल जाने के बाद। क्या कहता है, क्या कहता है, कि दोस्तों के साथ चलने में भी खतरे हैं हजार, भूल जाता हूँ हमेशा मैं संभल जाने के बाद, और अब ज़रा सा फासला रख कर जलाता हूँ चिराग, कि अब ज़रा सा फासला रख कर जलाता हूँ चिराग,
تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد کہ اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد اور وحشت دل کو ہے صحرا سے عجب نسبت عجیب وحشت دل کو ہے صحرا سے کوئی نسبت عجیب کوئی گھر لوٹا نہیں گھر سے نکل جانے کے بعد واہ 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 کہ وحشت دل کو بیاباں سے ہے ایک نسبت عجیب کوئی گھر لوٹا نہیں گھر سے نکل جانے کے بعد اور تین چار اشعار میرے ایک دوست کی فرمائش پر کہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا جسے پایا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا واہ 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 کہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا واہ 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 جسے پایا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا اور کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں اور کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا واہ 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 کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں اور کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا کیا کہنا ہے اور عجب سی گونج اٹھتی ہے درو دیوار سے ہر دم کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کہ درو دیوار سے ہر دم عجب سی گونج اٹھتی ہے یہ خوابوں کا خرابہ ہے یہاں سویا نہیں جاتا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے واہ 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 خوابوں کا خرابہ ہے واہ 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 کہ عجب سی گونج اٹھتی ہے درو دیوار سے ہر دم یہ خوابوں کا خرابہ ہے یہاں سویا نہیں جاتا اور یہ شعر دیکھیں اس غزل کا آخری شعر کہ بہت ہنسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے کیا کہنا ہے بہت ہنسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے بہت ہنسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم رونا بھی چاہیں تو کبھی رویا نہیں جاتا واہ 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 بہت عمدہ ہے عالم بھائی واہ 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 کہ بہت ہنسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم رونا بھی چاہیں تو کبھی رویا نہیں جاتا اور ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھیں ابھی جاوید اختر صاحب بات کر رہے تھے سمپل زبان کی جو سب تک پہنچے تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ویسے ہی اشعار سناؤں غزل کا مطلع ہے کہ ہم کو لطف آتا ہے اب فریب کھانے میں ہم کو لطف آتا ہے اب فریب کھانے میں آزمائے لوگوں کو روز آزمانے میں واہ 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 کہ ہم کو لطف آتا ہے اب فریب کھانے میں آزمائے لوگوں کو روز آزمانے میں اور شعر دیکھیں کہ دو گھڑی کے ساتھی کو
हम सफ़र समझते हैं। दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं। दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं। किस कदर पुराने हैं हम नए ज़माने में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। कि दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, किस कदर पुराने हैं हम नए ज़माने में। वाह वाह वाह। और तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है। वाह वाह वाह, तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है। तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है। आधी उम्र गुजरेगी जाने में। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना। वाह वाह वाह, क्या कहना है भाई। वाह वाह, कि तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है। आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में। और एहतियात रखने की कोई हद भी होती है। कि एहतियात रखने की कोई हद भी होती है। भेद हमने खोले हैं भेद को छुपाने में। कि एहतियात रखने की कोई हद भी होती है। भेद हमने खोले हैं भेद को छुपाने में। और आखिरी शेर के, जिंदगी तमाशा है और इस तमाशे में। जिंदगी तमाशा है और इस तमाशे में। कि जिंदगी तमाशा है और इस तमाशे में। खेल हम बिगाड़ेंगे खेल को बनाने में। वाह 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 वाह। जिंदगी तमाशा है और इस तमाशे में। खेल हम बिगाड़ेंगे खेल को बनाने में। बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे आलम खुर्शीद साहेब। आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में। ऐसी ऐसी अलामतें, इस्तारे और बड़ी सलीस और सादा ज़बान में जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे आलम खुर्शीद साहेब। दोस्तों, एक शहर है बदायूं, निज़ामुद्दीन औलिया की जाए पैदाइश। वो बदायूं जहाँ दिलावर फिगार जैसी शख्सियत पैदा हुई। वो बदायूं जिसका ताल्लुक शकील बदायूनी से है। वो बदायूं जहाँ असमत चुगताई पैदा हुई। उसी बदायूं से तशरीफ़ लाए हैं हसीब सोज। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर, लम्हे लम्हे के मुदीर और कई खूबसूरत शेरी किताबों के खालिक हसीब सोज का ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल किया। शुक्रिया शकील भाई। हजरात, जो मतला सुनाया शकील भाई ने उसके कुछ शेर मैं सुनाता हूँ। देखिए, मतला मेरी जबान से सुन लीजिए। बहुत उम्दा गजल है। वाह वाह। अर्ज किया है कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। वाह वाह वाह। कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता, तो सच्चा टूट जाता है। और शेर यह है दोस्तों कि ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर। क्या कहना है भाई, क्या कहना है। न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। और शेर सुनिए दोस्तों, के तसल्ली देने वाले तो
तसल्ली देते रहते हैं। वाह, तसल्ली देने वाले, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। और किसी से सिर्फ रहिए, किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा। किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा, जरा सी ठेस से वरना ये शीशा टूट जाता है। किसी से इश्क करते हो तो फिर खामोश रहिएगा, जरा सी ठेस से वरना ये शीशा टूट जाता है। ये गजल के दो तीन शेर और हाजिर करता हूँ, मतलब सुनिए दोस्तों। अर्ज किया कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, और हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। वाह 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 वाह, हमने किरदार को, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। बहुत अच्छा, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है। और उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए। भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए। भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है। वाह, शेर हाजिर करता हूं कि मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, बाज लोगों ने तो बीमार समझ रखा है। मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, बाज लोगों ने तो बीमार समझ रखा है। एक गजल का मतलब दो तीन शेर और सुने। अर्ज करता हूं कि तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा। क्या कहना है, वाह, तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा, चिराग लेके मुझे आफ्ताब देना पड़ा। तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा, तेरी मदद का यहां तक हिसाब देना पड़ा। वाह 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 वाह, चिराग लेके मुझे आफ्ताब देना पड़ा, और हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे, हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे, हर एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा। हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे, हर एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा। क्या कहना, शेर सुनिए दोस्तों के ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। वाह, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी, कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी, कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। और अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी, अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी, नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। अब इस सजा से बड़ी और क्या इस सजा होगी, अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी, नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। एक मतला कुछ शेर हाजिर करता हूं कि बड़े, ये भी हिसाब का मामला है, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। वाह, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। बहुत अच्छा है। और मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं,
कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, वाह वाह वाह, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं, क्या कहना है क्या कहना है, मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है, और तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। वाह वाह वाह, तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, वाह वाह वाह, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है, क्या कहना है, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। वाह, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, क्या कहना है, वाह वाह, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, वाह, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है, बहुत अच्छा, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है, और एक आग सीने में बरसों से जल रही है मेरे, वाह वाह, इसे शराब से अक्सर बुझानी पड़ती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे हसीब सोज साहब। शायरी में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि हसीब सोज कभी एक बूंद शराब के नाम पे ज़िंदगी में उनके हलक से नीचे नहीं गई, लेकिन ये शायरी की काफिया पैमाई की कभी कभी मजबूरी होती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे हसीब सोज साहब। दोस्तों, बम्बई से एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो अपनी ज़िंदा दिली के लिए मशहूर है, अपनी खूबसूरत शायरी के लिए मशहूर है, और उनका एक इख्तिसास ये है कि वो रोज़मर्रा के वाक़यात को बग़ैर किसी मंसूबा बंदी के, बग़ैर किसी कोशिश के चुटकियों में गज़ल बना देते हैं। मेरी मुराद है शमीम अब्बास साहिब से। ज़ोरदार तालियों से उनके इस्तक़बाल के लिए शमीम अब्बास। शुक्रिया, आदाब, हाजिर है जो है जैसा है, मुलायजा हो। एक मतला एक शेर से शुरुआत करता हूँ। तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं, तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं, खुदा की कसम सुकून नहीं। सफेद बाल हुए हैं हमारा खून नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, शमीम साहब क्या कहना है, वाह वाह वाह, हाँ तेरे बगैर, वाह 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 वाह, तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं। सफेद बाल हुए हैं, सफेद बाल हुए हैं हमारा खून नहीं, सफेद बाल हुए हैं हमारा खून नहीं, और न हम ही लौंडे लपाड़ी, वाह वाह, न हम ही, जबान का लफ्ज है ये, बोला जाता है रोजमर्रा में, वाह वाह, हाँ मुंह बनाने की जरूरत नहीं है इस पे, न हम ही लौंडे लपाड़ी, न कच्ची उम्र का वो, न हम ही लौंडे लपाड़ी, न कच्ची उम्र का वो, ये सोचा समझा हुआ इश्क है जुनून नहीं। वाह वाह वाह, हम ही लौंडे लपाड़ी, न कच्ची उम्र का वो, ये सोचा समझा हुआ इश्क है जुनून नहीं। गजल सुन मिला जाओ, तुम में तो कुछ भी वाहियात नहीं, तुम में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ तुम आदमी की जात नहीं,
तुम में तो कुछ भी वाहियात नहीं, क्या कहना है? तुम में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ, तुम आदमी की जात नहीं। बहुत अच्छा है। तुम में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ, तुम आदमी की जात नहीं। और दिल में जो है वही जबान पे है। दिल में जो है वही जबान पे है, और कोई हम में खास बात नहीं। दिल में जो है वही जबान पर है, और कोई हम में खास बात नहीं। और सबको धुतकारा दरकिनार किया, सबको धुतकारा दरकिनार किया, एक बस खुद ही से नजात नहीं। और खुल के मिलते हैं जिससे मिलते हैं। जहन में कोई छूत छात नहीं। वाह वाह। खुल के मिलते हैं जिससे मिलते हैं, जहन में कोई छूत छात नहीं। एक ताल्लुक सभी से है लेकिन, एक ताल्लुक सभी से है लेकिन सबसे जायज ताल्लुकात नहीं। और शायरी है ये शायरी साहब, ये शरीफों के बस की बात नहीं। यानी आपने सबकी शराफत में सवालिया निशान लगा दिया। अब सब लोग अपने अपने गरेबान में झांक रहे। दूसरी गजल में लगा। जरा पेंग बढ़ाई जाए, आ तेरे संग जरा पेंग बढ़ाई जाए, जिंदगी बैठ तुझे चाय पिलाई जाए। आ तेरे संग जरा पेंग बढ़ाई जाए, यार बस इतना ही तो चाहते हैं हम तुझसे, यार बस इतना ही तो चाहते हैं हम तुझसे, यारी की जाए तो फिर यारी निभाई जाए, यारी की जाए तो फिर यारी निभाई जाए। और जैसी है जितनी है, जैसी है जितनी है, औकात से बढ़कर है मुझे, जैसी है जितनी है, औकात से बढ़कर है मुझे, क्यों जरूरत से सिवा नाक लगाई जाए। और जब भी मन करता है कह लेते हो अपने मन की,
जब भी मन करता है कह लेते हो अपने मन की, कभी मेरी भी सुनी जाए सुनाई जाए। जब भी मन करता है कह लेते हो अपने मन की, क्या कहना है क्या कहना है, कभी मेरी भी सुनी जाए सुनाई जाए। ख्वाब दिखलाएं, ख्वाब दिखलाएं, मगर ख्वाब की ताबीर ना दें। ख्वाब दिखलाएं मगर ख्वाब की ताबीर ना दें, भाड़ में ऐसे खुदाओं की खुदाई जाए। ख्वाब दिखलाएं मगर ख्वाब की ताबीर ना दें, भाड़ में ऐसे खुदाओं की खुदाई जाए। भाड़ में ऐसे खुदाओं की खुदाई जाए, और मुंतजिर हम भी हैं, मुंतजिर हम भी हैं उस दिन के हो राम का राज। मुंतजिर हम भी हैं उस दिन के हो राम का राज, पर ये रावण की जो लंका है ये ढाई जाए। मुंतजिर हम भी हैं उस दिन के हो राम का राज, मुंतजिर हम भी हैं उस दिन के हो राम का राज, पर ये रावण की जो लंका है ये ढाई जाए। और इजाजत हो तो एक आखिरी, ऊट पटांग, ऊट पटांग अल्लम गल्लम जाने क्या क्या है, ऊट पटांग अल्लम गल्लम जाने क्या क्या है, अब जिसके जी जो आता है बक देता है। ऊट पटांग अल्लम गल्लम जाने क्या क्या है, अब जिसके जी जो आता है बक देता है। और छीना झपटी नोच खसोट और धेंगा मस्ती, छीना झपटी नोच खसोट और धेंगा मस्ती, इश्क है इश्क में ये सब तो चलता रहता है। छीना झपटी नोच खसोट और धेंगा मस्ती, इश्क है इश्क में ये सब तो चलता रहता है। और किसी ने ऐसे पांव पसारे जहनों दिल में, वाह, किसी ने ऐसे पांव पसारे जहनों दिल में, अब लफ्जों, किसी ने ऐसे पांव पसारे लफ्जों दिल में, लफ्जों जहन, किसी ने ऐसे पांव पसारे जहनों दिल में, जाल अब लफ्जों का काफी छोटा पड़ता है। वाह वाह, किसी ने ऐसे पांव पसारे जहनों दिल में, क्या कहना है, जाल अब लफ्जों का काफी छोटा पड़ता है। और ढके छुपे का कायल ना तो मैं ना वो, ढके छुपे का कायल ना तो मैं ना वो, हमने एक दूजे पर खुद को खोल दिया है। ढके छुपे का कायल और खोल दिया है। और आखिरी शेर, ना चुमकारा ना फुसलाया, ना चुमकारा फुसलाया, ना चुमकारा फुसलाया और ना दाने डाले, ना चुमकारा फुसलाया और ना दाने डाले, बैठे बिठाए भी तो टांका भिड़ सकता है। दोस्तों, शमीम अब्बास आपके रूबरू थे, अपनी मखसूस शायरी से आपको गुदगुदा रहे थे। आइए अब थोड़ा सा ज़रा सा संजीदा होंगे और उस शख्सियत के हुज़ूर चलेंगे जो उर्दू मुशायरों के हवाले से बेहद महबूब और मकबूल शख्सियत है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब।
दोस्तों तशरीफ़ मैं एक बात अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों कि मैं मुशायरे की मिट्टी से बना हुआ इंसान हूं और मेरे लिए इतना आसान कर दिया शमीम साहब ने सारा किस्सा कि मैं जहां इन्होंने ख़त्म किया उसको आसमान तक ले जा सकता हूं। लेकिन मुझे इस मुशायरे के बारे में जानता हूं कि यहां इस कम से कम हिंदुस्तान का एक ही वाहिद मुशायरा है कि जहां पर मुशायरे की तरकीब वरकीब की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक तो मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मेरा इसमें नुकसान है, मेरा बहुत आसानी से दो लाइनें पढ़ता और मैं वहीं पर ले जाता। क्या क्या लेकिन मुझे अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें मेरी कम मेहनत होगी, आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए कि ये जो कुछ हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे साफ करने की कोशिश करूँगा। अर्ज करता हूं कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैंने अर्ज किया है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है। अर्ज कर रहा हूं कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए, क्या करूं बुतों से। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली वालों, मुझे आपसे यही तवक्को थी, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। अब इस शेर की हिफाजत कर लीजिएगा, तो शहर भर के खुदाओं को बेहिसाब करूं, बेनकाब करूं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया इसे खराब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार, बहुत अच्छा है वाह। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की, किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं। और ये जिंदगी, एक शेर और याद आ गया, ये नौजवानों की खासी तादाद है, अंदाजा हुआ कि सीटियाँ बहुत आ रही थी बीच में, एक शेर पढ़ रहा हूँ। किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं, किसे खतीब बनाऊं किसे खिताब करूं, मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर, मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर, यह इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं, मैं करवटों के नए जायके लिखूं शब भर, तो कहां जिंदगी अजाब करूं। और ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, देखिए साहब ऐसी आप लोगों को मुझसे तवक्को नहीं होगी, मैं लेकिन बहुत मोहब्बतें आपकी अर्ज कर रहा हूं कि जो ये हर सू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हर सू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं।
बहुत अच्छा है जो ये हरसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं, और तुला है धूप बरसाने पे सूरज। वाह वाह, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। क्या कहना, तुला है धूप बरसाने पे सूरज, तुला है धूप बरसाने पे सूरज। क्या कहना है, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं। एक शेर सुनिएगा कि इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं। वाह वाह वाह, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं। बहुत इन्हें अच्छा, नामों से मैं पहचानता हूं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं। और किसी दिन चांद निकला था यहां से, वाह, उजाले आज तक छत पर खड़े हैं। किसी दिन चांद निकला था यहाँ, किसी दिन चांद निकला था यहाँ से, किसी दिन चांद निकला था यहाँ से, उजाले आज तक छत पर खड़े हैं। एक शेर और एक खास शेर सुनाना चाहता हूं। आज तक छत पर खड़े हैं, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर। वाह, उजाला शमीम अब्बास साहब से मत मिलाइएगा इस शेर को, मेरा ले। उजाले आज तक छत पर खड़े हैं, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर। वाह, जमीनों आसमां बाहर खड़े हैं। उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, जमीनों आसमां। एक आध गजल और सुना दो अगर आप हुक्म दें तो साहब। जी फरमाइए। एक आखिरी गजल होगी इंशाल्लाह। वाह साहब, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। वाह, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। क्या कहना, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। क्या कहना, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। वाह 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 वाह, चलते रहिए तो जमी भी, चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। साहब तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। वाह, चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। वाह वाह वाह, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी। वाह वाह, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। वाह, तलखियां भी लाजमी हैं जिंदगी के वास्ते। वाह वाह वाह, तलखियां भी लाजमी हैं जिंदगी के वास्ते। तलखियां भी लाजमी हैं जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के मत रहिए, शकर हो जाएगी। तलखियां भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के, तलखियां भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के मत रहिए, शकर हो जाएगी। शकर हो जाएगी और जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। वाह वाह वाह, जुगनुओं को साथ, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। वाह 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 वाह, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अब एक मतलब सुना दूं मेरा।
चलो शायद अच्छा 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 जी जी एक मतला तो मैं सुना के ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए साहब। बैठिए बैठिए। इसलिए कि सुनिए सुनिए मेरे अजीज मेरे बेटे, देखिए राहत इंदौरी को रेख्ता ने बुलाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन नहीं कि सारी दुनिया में मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुझे हैरत हुई कि पिछले महीने में ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ जिक्र होता रहा रेख्ता का। और हैरत की बात यह है कि वहाँ के बच्चे फैमिली लेकर आज यहाँ मौजूद है दिल्ली में, वो मुझसे मिले कि राहत भाई हम रेख्ते की वजह से यहाँ पर। तो ये जो कुछ मैंने पढ़ दिया ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुन लिया। लेकिन मुझे मुशायरा, मैंने बताया कि मैं मुशायरे की मिट्टी का बना हुआ हूँ, एक मतला और एक शेर ज़रूर सुन लें, उसके बाद एक छोटी सी माफ़ कर दीजिए। मुझे जो मार्किंग आप करेंगे ये मुशायरे वाले, ये तीन मैंने दो शेर गज़लें सुना दी, उस पर बहस कर लीजिएगा। लेकिन आप चूँकि राहत इंदौरी को सुनने आए हैं लेकिन सुन के बताइएगा दिल्ली वालों, ऐसी ऐसी सर्दी है, अब आप लोग एक्सप्रेशन देखिएगा, हमारे दोस्तों के चेहरे भी बदलेंगे थोड़े। आज क्या है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है सूरज भी दुहाई, शर्माइए मत, ठीक पढ़ रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। वाह बहुत शुक्रिया। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे अपने, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, ऐसी आजादी कि हर शख्स, एक दो तीन मिनट में ये ख़त्म कर देता हूँ मैं, गज़ल सुन लीजिए है जी। हाँ जी बंद करो। अर्ज कर रहा हूँ कि तेरी नहीं, मेरा ख्याल है ये शायद कह रहे ख़त्म हो गया, वक्त खत्म, देखिए वक्त ख़त्म हो गया है, हम मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं नहीं ये देखिए मैंने पहले भी दो तीन मरतबा बैठे बैठे भी कहा था कि इस मुशायरे की नौयत कुछ और है, सुनिए एक 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 डेढ़ दो मिनट में ख़त्म करता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। एक शेर और सुन लें कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर,
लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके, आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ, लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये खूबसूरत बज़्म-ए-मुशायरा यही इख्तिताम पज़ीर होता है। बहुत शुक्रिया।